नमस्कार, मैं हूं समुंदर सिंह राजपूत और आप मेरे साथ देख रहे हैं अलर्ट विद समुंदर। दिल जले आशिक की एक ऐसी खौफनाक कहानी जिसने अपने ही जिगरी दोस्त को गर्लफ्रेंड के साथ इश्क लड़ाने के चक्कर में मौत के घाट उतार दिया। इस मामले का खुलासा 7 महीने बाद तब हुआ जब वहां अपने दोस्त के सिर के एक धड़े को मोहल्ले में दहशत फैलाने के लिए जा निकला। और उसके बाद क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारी खास रिपोर्ट। गर्लफ्रेंड का डरावना सच, एक खूनी साजिश और 7 महीने बाद उगला राज, लापता जिगरी दोस्त की खूनी मिस्ट्री की हिट स्टोरी और डेंजरस डार्लिंग। इश्क की ऐसी दास्तां सामने आई है जिसके लव ट्रायंगल ने अपने ही जिगरी दोस्त को अपराधी बना दिया। फिर उसने एक वारदात की पूरी कहानी रच डाली, लेकिन मामले का खुलासा 7 महीने बाद तब हुआ जब वो दारू के नशे में अपने ही दोस्त का कटा हुआ सर लेकर मोहल्ले में दहशत फैलाने निकला था। इसके बाद रहवासियों ने थाने पहुंचकर इस बड़े खूनी राज पर से पर्दा हटाया। हबीबगंज इलाके में गुंडे ने दोस्त की हत्या कर उसका शव अपने ही घर में गाड़ रखा था। देर रात आरोपी नशे में दोस्त का कटा हुआ सर लेकर घूमता नजर आया। ये देख मोहल्ले की महिलाएं डर गई और थाने पहुंची। तब जाकर 7 महीने पुरानी मर्डर मिस्ट्री का खुलासा हुआ। आरोपी सिर को किसी और के घर में फेंक कर उसे फंसाने की फिराक में था। उसने ये सब अपनी गर्लफ्रेंड के लिए किया जो कि इस खूनी साजिश में शामिल थी। पुलिस ने अब दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। थाने में सूचना मिली थी कि कुछ महिलाओं को एक व्यक्ति जाके धमका रहा था और उसके पास कोई किसी व्यक्ति का सर टाइप का कोई चीज़ था। तो संज्ञान लेने के बाद जो टीम है उस व्यक्ति के घर गई, तलाशी की, और तलाशी पे एक पता चला कि एक सड़ा गला सा एक व्यक्ति का जो सर है उसके घर पे मिला है। दिल के इस जमीन पर उसे कोई सौदा मंजूर नहीं था। उसे यह भी कबूल नहीं था कि उसकी गर्लफ्रेंड से कोई लड़का बात भी करे। इश्क की चाहत की इस जुनून ने उसे एक रोज बना दिया खूनी। आरोपी शमशेर की गर्लफ्रेंड उसके साथ लिविन में रहती थी। शमशेर और शिवा एक दूसरे के जिगरी दोस्त हुआ करते थे। इसी दौरान शिवा का शमशेर के घर आना जाना लगा हुआ था। इसी बीच शिवा और आशा की नजदीकें बढ़ी, एक दूसरे से वो मिलने लगे। शमशेर को शक हुआ तो उसने एक दिन उन दोनों को एक साथ देख लिया। इसके बाद क्या था कि वहाँ शमशेर जिसने अपनी गर्लफ्रेंड को शिवा के साथ देखा था और उसके बाद उसने एक साजिश रच डाली। आरोपी शमशेर की गर्लफ्रेंड उसके साथ लीव इन में रह रही थी। शमशेर और शिवा भी पत्नियों को छोड़ चुके थे। दोनों ही एक दूसरे के जिगरी दोस्त थे, एक दूसरे के घर आए दिन आना जाना लगा रहता था। इसी दौरान आशा की नजदीकी शिवा से बड़ी और दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। शमशेर को शक हो गया कि उसकी गैर मौजूदगी में शिवा उसकी गर्लफ्रेंड से मिलता है। एक दिन उसने दोनों को एक साथ देख लिया। शमशेर को ये बात पसंद नहीं आई और शमशेर ने रच डाली अपने ही दोस्त को ठिकाने लगाने की ये खौफनाक साजिश। एक व्यक्ति है शिवदत्त भाले राव जो अक्टूबर में मिसिंग रिपोर्टेड था, जो कि ये आरोपी जिसके घर पे मिला है जिसका नाम बबलू है उसका दोस्त था। तो बबलू ने और उसकी वाइफ या उसकी एक फ्रेंड है, ये दोनों साथ में रहते हैं, इन्होंने इसको बुलाकर इसकी हत्या की थी। उनका कहना है कि ये जो व्यक्ति है ये गलत निगाह रखता था इस महिला के ऊपर और इसके चलते इन लोगों ने उसकी हत्या की है।
पुलिस ने आशा को बताया कि शिवा और शमशेर से दोनों से इसकी दोस्ती थी, वहाँ शिवा से अलग करना चाहता था। एक दिन पार्टी के बहाने तीनों को बुलाया, तीनों ने मिलकर पार्टी की और उसके बाद उसने शिवा का गला काट दिया। जब उसकी मौत हो गई तो उसने भी आशा को डराया कि तुमने बताया तो उसे भी जान से मार देगा। फिर क्या था, आशा और शमशेर ने शिवा के लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसी के घर में गाड़ दिया। पुलिस को आशा ने बताया कि उसकी शमशेर और शिवा दोनों से ही दोस्ती थी। आशा के मुताबिक शमशेर मुझे शिवा से अलग करना चाहता था, उसने शिवा को पार्टी के बहाने घर बुलाया था। हम तीनों ने पहले पार्टी की और उसके बाद शमशेर ने शिवा का गला काट दिया। मुझे चाकू अड़ाकर उसने धमकी दी कि किसी को बताएगी तो तुझे भी इसी तरह मार डालूंगा। हम दोनों ने उसका शव घर के अंदर ही गाड़ दिया। संदेह करते थे वो लोग कि ये जो जो मृतक है वो महिला पे गलत नजर रख रहा है। वो आरोपी को भी संदेह था और महिला ने भी कई बार कहा था ये चीज। शिवा के पिता ने बताया कि 1 अक्टूबर की सुबह 6 बजे अपनी माँ को ठेकेदार से पैसा लेने का बोलकर घर से निकला था, लेकिन वहाँ देर शाम तक घर नहीं लौटा तो अगले दिन जाकर पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। मृतक शिवा के पिता ने बताया कि 1 अक्टूबर की सुबह 6 बजे शिवा ने अपनी माँ लक्ष्मी देवी को बताया था कि वो ठेकेदार से पैसे लेने जा रहा है, लेकिन जब देर शाम तक वो वापस नहीं लौटा तो इस पर अगले रोज उसके लापता होने की जानकारी थाने में जाकर पुलिस को दी गई। पुलिस ने 4 अक्टूबर को उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की थी। हबीबगंज थाना प्रभारी ने बताया कि 12 नंबर स्थित रहने वाली महिलाएं थाने पहुंची थी। उन्होंने बताया कि वहां एक युवक जो शमशेर नाम का बदमाश है वो जमकर गाली गलौज कर रहा है और चीख चीख कर गाली गलौज कर रहा है और कह रहा है कि मैंने शिवा को मारा है, और उसके हाथ में महिला ने सिर का एक धड़ा भी देखा था। हबीबगंज थाना प्रभारी भान सिंह प्रजापति ने बताया कि 12 नंबर साई मंदिर के पीछे रहने वाली महिलाएं सोमवार रात थाने पहुंची थी। उन्होंने बताया कि मोहल्ले में रहने वाला गुंडा शमशेर और बब्बू नशे की हालत में लोगों को धमका रहा है। वो चीख चीख कर कह रहा है कि उसने शिवदत्त भाले राव और शिवा की हत्या करके उसे दफना दिया है, हमें भी मारने की वो धमकी दे रहा था। एक महिला ने उसके हाथ में कटा हुआ सर भी देखा था। अभी कुछ दिन पहले इसका फिर विवाद हुआ था कुछ महिलाओं के साथ, तो उस महिलाओं को धमकाने के लिए इसने फिर वो गड्ढे को खोदा और जो व्यक्ति है उसका सर अलग करके इनके पास लेके गया दिखाने के लिए कि तुम्हारी भी यही हालत होगी, और इन्होंने कंप्लेंट किया और इस पर पुलिस ने जो है कार्रवाई करी। पुलिस ने शमशेर से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि सिर के एक धड़े को बाथरूम के कोने में गाड़ दिया था, वहीं दूसरा धड़ा जमीन के 3 फीट गड्ढे में गाड़ा हुआ था। पुलिस ने शव को बरामद कर लिया है और दोनों आरोपी यानी शमशेर और उसकी गर्लफ्रेंड को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने शमशेर को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने भाले राव की हत्या करना स्वीकार कर लिया। उसकी झुग्गी के बाथरूम से शिवा का कटा हुआ सर भी मिला है। पास ही की जमीन में 3 फीट नीचे शिवा का बाकी का धड़ बरामद हुआ। अक्टूबर में उसने हत्या की थी। शिवा के पिता बसंत बहादुर बेटे की हत्या की जानकारी लगने के बाद हबीबगंज थाना पहुंचे। उन्होंने कहा कि बेटे की हत्या करने वाले दोनों आरोपियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने बताया कि महिला से दोस्ती की जानकारी उन लोगों को नहीं थी, शमशेर से उसकी जान पहचान थी ये पता था। बेटा मजदूरी के पैसे लेने का कहकर घर से निकला था। आपको बता दें शिवा
आरोपी शमशेर और उसकी गर्लफ्रेंड आशा ठाकुर तीनों पुताई का काम करते थे। खंडवा की रहने वाली आशा अपने पति को छोड़ चुकी थी। उसके पति से तीन बच्चे थे। आशा शमशेर के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रह रही थी। दोस्त की हत्या में शामिल दोनों आरोपी अब सलाखों के पीछे हैं। उन्हें अब अपने द्वारा किए जुर्म की सजा काटनी है। अलर्ट विद समुंदर में भोपाल से समुंदर सिंह राजपूत की रिपोर्ट।